दोस्तों आईटी सेल द्वारा जो ये झूठी खबर फैलाई गई थी कि बेंगलोर में गणेश मूर्ति को डिटेन कर लिया गया है, इस झूठी खबर को ऐसे फैलाया गया सोशल मीडिया के ऊपर कि इसको लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। लेकिन कल ही इस बात का पता चल गया था कि वहां पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, वो गणेश मूर्ति लेकर पहुंचे थे वहां पर, जिसके बाद पुलिस उनसे मूर्ति ले लेती है। और उसके बाद इस वीडियो में बाकायदा रिस्पेक्ट के साथ गणेश मूर्ति को ले जाकर पुलिस वाले रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे राइट विंग अकाउंट के द्वारा और बीजेपी नेता और बीजेपी विधायक भी इस गलत जानकारी को सोशल मीडिया के ऊपर साझा कर रहे थे। लेकिन अब इसको लेकर बेंगलोर डीसीपी का एक ट्वीट आता है सामने, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन आप उससे पहले ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है और इसको कैसे सोशल मीडिया के ऊपर गलत जानकारी के साथ फैलाया गया, लेकिन उसको लेकर क्या कुछ निकल कर सामने आया है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन आप पहले देखिए इस वीडियो को कि कैसे प्रोटेस्टर जो थे, जो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, वो गणेश की मूर्ति को लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस उनसे गणेश की मूर्ति को ले लेती है। और उसके बाद क्या कुछ हो रहा है वो जरा आप देखिए। तो देख लिया आपने इस वीडियो में क्या कुछ हुआ। लेकिन इस वीडियो को लेकर गलत जानकारी सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई, इसमें बीजेपी के मिनिस्टर भी शामिल थे। अब होता यह है कि इसको लेकर डीसीपी का एक ट्वीट सामने आता है, जो मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं क्या कुछ लिखा गया है। लिखा गया है, 13 सितंबर 2024 को हिंदू समूह ने नागमंगला गणेश जुलूस की घटना को लेकर बेंगलुरु के टाउन हॉल में प्रदर्शन किया, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। बाद में अधिकारियों ने विधि विधान के साथ गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया। तो ये डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल डिवीजन बेंगलोर का ये ट्वीट सामने आता है, जिसमें ये बातें जो है वो बताई गई है, क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो गलत जानकारी फैलाई गई थी कि गणेश की प्रतिमा को पुलिस ने छीन लिया है और उसके बाद डिटेन कर लिया है, ये जो गलत जानकारी फैलाई गई थी उसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। और इसमें लिखा ये गया है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनको डिटेन कर लिया गया, उनको हिरासत में लिया गया, और बाद में गणेश की जो मूर्ति थी उसको विधि विधान के साथ विसर्जन कर दिया गया है। मोहम्मद जुबैर की आप ये ट्वीट देख सकते हैं, लिखा गया है, मेनी राइट विंग्स अकाउंट्स इंक्लूडिंग बीजेपी मिनिस्टर आर शेयरिंग वीडियो एंड इमेज क्लेमिंग बेंगलोर सिटी पुलिस हैव डिसरिस्पेक्ट बाय डिटेनिंग गणेश आइडल। तो मोहम्मद जुबैर ने यहाँ पे ट्वीट करते हुए और इसका फैक्ट चेक करते हुए जब बताया, तो उसके बाद आप देखिए आज तक ने भी इसका फैक्ट चेक किया। मोहम्मद जुबैर ने बताया कि बहुत सारे राइट विंग अकाउंट और बीजेपी के मिनिस्टर भी थे जो ये क्लेम कर रहे थे कि बैंगलोर सिटी पुलिस ने डिसरिस्पेक्ट किया है गणेश भगवान की मूर्ति को और डिटेन कर लिया। लेकिन उसके बाद अब ये खबर सामने आती है, हालांकि वीडियो में भी देखा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट करने के लिए लोग पहुंचे थे वो गणेश भगवान की मूर्ति लेकर पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने गणेश भगवान की मूर्ति को ले लिया और उसके बाद उसे रिस्पेक्ट के साथ ले जाकर रखती हुई भी दिखाई दे रही। लेकिन कुछ ऐसे तस्वीर पोस्ट किए गए जिसमें ये गलत जानकारी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई गई कि किस तरीके से बेंगलोर पुलिस ने ये सब कुछ किया है। लेकिन इसको लेकर जो है वो फैक्ट चेक किया गया, फैक्ट चेक में पता चला कि जो कुछ भी गलत जानकारी फैलाई जा रही है, दरअसल मामला वो नहीं है, मामला ये था जो मैंने आपको बताया है। और किस तरीके से ये जो ट्वीट सामने आता है इसमें बाकायदा क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि जो कुछ भी गलत जानकारी दी जा रही थी दरअसल वैसा नहीं है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।